अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बज्जिस के जो बच्चे मैंने आपको बिल्कुल छोटे छोटे दिखाए थे, ये देखें तीन बच्चे सामने नजर आ रहे हैं, एक दो तीसरा ये है और चौथा मेरे कंधे के ऊपर। और मटकी के अंदर मेरे ख्याल में 6 बच्चे थे। अब बाकी 2 का क्या हुआ है वो तो मटकी के अंदर देख कर ही पता चलेगा। ये सबसे क्यूट है माशाल्लाह, हेलो में आया। चलो भाई तुम इधर रहो, अभी देखते हैं मटकी के अंदर। एक बच्चा मरा हुआ तो नहीं है? नहीं नहीं, एक बच्चा जिंदा है। वो सबसे छोटा वाला जो था ना वो भी है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करेगा क्योंकि वो सबसे छोटा था। तो तकरीबन 5 से 7 दिनों तक ये छोटा वाला बच्चा मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ये भी इंशाल्लाह मटकी से बाहर आ जाएगा। ये रहा शिकारी को हम कहाँ कहाँ नहीं ढूंढते, और शिकारी बैठा हुआ है यहाँ पर परिंदों के शिकार के लिए। बच्चू ये तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, पूरे मोहल्ले में घूम घूम के से ये आदत पड़ गई है भाई के इसने अपना ताजा ताजा शिकार पकड़ के खाना है। अब ये इस उम्मीद पर बैठा है यहाँ पर, म्यो म्यो मुझे देख के कह रहा है कि मैं इसे यहाँ से कोई चीज पकड़ के दूंगा। चले इसकी ख्वाहिश पूरी करते हैं, देखें कैसे आएगा पकड़ने के लिए। मैं ना ये वाली डब ऊपर बैठी है इजीली और भाग गई। चलो जी तुम तो ना भागना, इसको पकड़ते हैं। ये पकड़ लिया भालू, तुम्हारा शिकार आ जाओ। ठीक है, कैसे आया पकड़ने के लिए? तुम्हें नहीं मिलेगा भाई शिकार, क्या है कुछ भी नहीं मिलने वाला यहाँ से। तो दोस्तों मैं मास्टर केज के अंदर आया हूँ अपने सारे परिंदों को देखने के लिए, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा यहाँ पर होना तो और ही ज़्यादा मज़ा आए। लेकिन जब तक डब है ना यहाँ पर, हम पैरट्स के बॉक्स प्रॉपर लगा नहीं सकते, फिर यहाँ पर ये गठे ब्रीड नहीं करेंगे। देखिए अभी मटकियाँ वगैरह तो लगाई हुई हैं, लेकिन जब ये जाते हैं ना तो मटकियाँ भी बॉक्स के अंदर और मटकियों के अंदर जाना शुरू कर देती हैं, तो ये फिर काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए बस मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, इन्होंने अंडे दिए हुए हैं, इनके बच्चे एक दफ़ा निकल आएँ तो फिर हम इनको यहाँ से किसी और जगह शिफ्ट करेंगे, और फिर बाकी पैरट्स हम यहाँ पर लाकर इस मास्टर केज को पैरट से भर देंगे। और मास्टर केज के अंदर हमारे ये सारे परिंदे बहुत खुश हैं। अंगूर ये देखें, सारा इन्होंने अंगूर यहाँ से ख़राब कर दिया। क्या हुआ है? क्यों? रैबिट फीमेल का खून आ रहा है। वो जो कल वाली थी? हाँ, उसके जिस्म से खून आ रहा है। अली आ गया एक बुरी खबर लेके। अली मेरे से पहले ही भाग के निकल गया। किधर है? उठाओ ना। नहीं ना उठ रही, ये सुबह ठीक थी, फिर ऐसे हो गया। अभी खून आ रहा है इसके। इसको आगे मैंने उधर दाना खिलाया है ना, तो ये खा रही थी, उधर भी खून इतना ज्यादा इसका निकला है। इसने कोई पत्ते वगैरह खाए? नहीं खाए, अभी नहीं खाए, दाना सिर्फ खाया इसने। इसके पेट में पक्का कोई बच्चा मार गया। वो जल्दी से जाओ, मैं इसे दाना खिलाता हूँ, तुम बास्केट लेके आओ, डॉक्टर के पास चलते हैं। चले, अगर इसे ऐसे ही रखा ना ये भी मरेगी, साथ बच्चे भी मरेंगे। तुम वो बास्केट ले आओ, इसके अंदर से रखते हैं। मैं इसे यहाँ पर, ये देखो खून पड़ा हुआ यहाँ पर। यहाँ पर दाना खिलाया ना मैंने इसको, दाना तो खा रही है। तुम ले आओ जल्दी से, लो मैं इसे खिलाऊँ दाना। जल्दी आए ना यार, ये कल से चल नहीं पाई। इब्राहिम आपकी रैबिट बीमार हो गई है, ये देखो ना, ये देखो ब्लड। नहीं नहीं ना, नहीं नहीं ना, नहीं ना, इसको सुनने चलो। डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, टाइम नहीं है। चले चले जल्दी करें, आ जाओ आप भी आ जाओ। चलो यार चलो भाई, इसको अभी लेकर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अभी तक घर वालों ने नहीं देखा, इसको देखेंगे, बड़ी बेइज्जती करेंगे। मुझे तो पता ही अभी चले, अली ने अभी बताया, पहले तो ये खा पी रही थी बिल्कुल ठीक थी। यहाँ क्लिनिक में पहुँच चुके हैं, डॉक्टर साहब ने अभी ट्रीटमेंट किया ना, तो वहाँ अंदर सफाई चल रही है। और भाई लाए हुए हैं ये अफ्रीकन ग्रे, इसको बुखार हो गया और अब इसे ना हल्का हल्का काटना भी शुरू कर दिया। ये हमारे राजू की तरह बड़ा होकर राजू बन जाएगा अगर आप इसे बातें सिखाएंगे। आपने ना इसे अच्छी अच्छी बातें सिखानी है, आपने सबसे पहले इसे सिखाने हैं भाई अली का नाम सिखाना है। अली अली बोला करेगा, फिर हम आकर ना इसको अपने घर ले जाएंगे। इसका नॉर्मल चेकअप हो चुका है, अब डॉक्टर साहब इसका अल्ट्रासाउंड करने वाले हैं, तब पता चलेगा इसके जिस्म के अंदर बच्चे हैं, जिंदा हैं या मर चुके हैं। क्योंकि ये बता रहे हैं कि ज़्यादा चांस ये है कि बच्चे मर चुके हैं। लेकिन फिर ये भी यहाँ पर तो नहीं आए, यहाँ भी बाल काटेंगे और उसके बाद फिर इसका अल्ट्रासाउंड होगा।
बच्चे जैसे स्टार्ट होते हैं, तो पूरा ट्रिम नहीं करना चाह रहा। वो देख रहे हैं ऊपर पंजे, ये इस साइड पे। जी जी, ये बच्चा है पड़ा हुआ। पर शुक्र है बच्चे तो ज़िंदा हैं, लेकिन जो ब्लड है ना उसको, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम इसको मल्टी विटामिन देते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं, और उसके लेने के बाद हो सकता है कि इसके बच्चे जो है ना वो सर्वाइव कर जाएं, क्योंकि इसका ब्लड है ना, तो ऐसे यही निशानी होती है कि बच्चे अंदर मर गए होंगे। और दूसरी चीज़ जो ये इसकी टांगों के अंदर जान ख़त्म हो गई है ना, वो उसका मेरे ख्याल में फ़िलहाल तो यही कह रहे हैं कि कोई इलाज नहीं है। अब इसका दूसरा ट्रीटमेंट शुरू हो रहा है, हमें लग रहा है कि शायद यहाँ से इसकी टांग को कोई मसला आ गया, तो डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं कि इसे दर्द खास किस जगह पर है, तो वो जगह पॉइंट नोट करके ना फिर वहाँ से इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। भाई मेडिसिन भी लिखवा ली है, डॉक्टर साहब ने लिख दी है, इसको हम घर लेके जा रहे हैं, ट्रीटमेंट इसका अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अब देखें क्या होता है। अपनी तो फुल कोशिश है कि भाई इसे बचा लें, बाकी 2 से 3 दिन में पता चलेगा। घर से निकले तो तेज़ वाली धूप थी, अब जब घर में पहुंचे हैं तो तेज़ वाले बादल, गहरे काले बादल आ चुके हैं और गरज रहे हैं। अब हो सकता है कुछ देर तक यहाँ पर बारिश शुरू हो जाए। और भाई घर वालों को मैंने दिखाई है, सबको काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा है। फाइनली हमने ये डिसाइड किया है कि इस रैबिट फीमेल को अब हम अपने पास घर के अंदर रखेंगे, इसको हम दूसरी तरफ नहीं लेके जाएंगे, इसकी मैं कुछ ज़्यादा ही केयर करूँगा, क्योंकि इसके पेट में बच्चे हैं और बच्चे हैं अभी ज़िंदा, वो मैंने खुद देखे हैं, वो ऐसे उनके दिल धड़क रहे थे। तो फिलहाल तो मैं इसको बाहर निकालने वाला हूँ, आ जाओ, ये अब ज़्यादा चल फिर भी नहीं सकती, इसको यहीं से फिलहाल मैं आराम से बाहर निकालता हूँ और यहाँ पर छोड़ता हूँ, घास खाए। ये देखें खाती पीती भी ये बिल्कुल ठीक है, हैं क्यों शर्मा रही हो, चलो खाओ, दाना भी अच्छे से खाती है और ये घास भी अच्छे से खाती है। और फिलहाल मैं इसके पास यहीं पर लेटूँगा थोड़ी सी देर के लिए, ये अच्छे से खा पी ले, तो फिर इसकी कहीं सेटिंग करते हैं या फिर इसके लिए कहीं घर बनाते हैं। ये देखें मोटी मोटी बारिश, तभी मैं इसको लेके जा रहा हूँ इसके घर के अंदर, वहीं पर मैं इसे चारा भी दूंगा, दाना भी दूंगा, पानी भी, सारी चीज़ें गठी रख देंगे, और देखता हूँ कपड़ा बिछा दूंगा नीचे, ताकि फ़र्श है ना तो फर्श के ऊपर से कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो फिलहाल तो 1 से 2 दिन तक यहीं पर होगी, इसके पेट में है बच्चे, और यार कहीं दूसरे मेल फीमेल इसको मारे ना, तो इसलिए हमने यही सोचा कि इसको फिलहाल अलग से रखेंगे, और यहाँ पर गुजरते गुजरते हम सुबह शाम इसे ना देखते रहा करेंगे, इसके ऊपर नज़र भी पड़ती रहा करेगी और इसका ध्यान भी अच्छे से रख सकेंगे। सामने सूरज निकला हुआ है, एकदम से प्यारी वाली बारिश हो रही है, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है। और आज यार मेरा यही दिल था कि भाई हम अपनी बकरियों को इस गोट हाउस के अंदर बंद करेंगे, यहीं पर खुरलियाँ लगी होंगी तो यहाँ पर बहुत ही प्यारी लगेंगी, लेकिन बस इरादा ही किया है तो बारिश शुरू हो चुकी है। अब यह नहीं पता ये बारिश कब तक रहेगी, कितनी ज़्यादा होगी, कैसी होगी, इसका कोई आइडिया नहीं है, बस ये शुरू हो चुकी है, अब इसके रुकने का इंतज़ार करते हैं। हाँ भाई क्या मसला है, क्यों नहीं खा रही, जब मुझे देखती हूँ तो खाना छोड़ देती हूँ, इधर आओ, ये लो, चलो चलो आ जाओ खाओ ना। सबसे ज़्यादा मुझे ना इसे तंग करने में मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा। अब मुझे गुस्से से देख रही है, भाई मैं इसे आके तंग क्यों कर रहा हूँ, तंग करूँगा जो करना है कर लो, चलो अब मुझे काट भी नहीं सकती, मैंने इसको मुँह बंद कर दिया। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा ठीक है आराम से खाओ, ठीक है ना, मैं फिर बाद में आता हूँ। बारिश बिल्कुल थोड़ी सी हुई है, हो सकता है अभी भी हो, लेकिन जितनी भी हुई है ना मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, पहले जो गर्मी थी ना वो सारी ख़त्म हो गई और हमारे सारे परिंदे इस तरफ ज़्यादा से खुश हो गए हैं। तो आज के व्लॉग यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पर ख़त्म, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं मेरे कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।